देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं हम आज खुद मैं हमारे ऑनरेबल एसी जो मैं टिकल और पावर इनके पास प्लस हमारे ब्लास के ऑनरेबल काउंसलर्स भी थे, हमारे रेम साहब, फिर हमारे विजेक के जो हमारे कमांडिंग अफसर भी थे, तो और पुलिस के हमारे एसएचओ साहब और डीएसपी ट्रैफिक के, वो सब हम सब उन पर देखना चाहते थे कि जुजला का कंडीशन कैसा है। आप खुद जानते हैं इस साल पहली बार फरवरी में भी जुजला खोलने की कोशिश, यानी मेरे ख्याल में ये जिंदगी में पहली बार, हमारे हिस्ट्री में पहली बार है, और हम जाके आज यहाँ से यहाँ 0 पॉइंट तक गए, तो 0 पॉइंट के बाद हमने देखा हवा बहुत चल रही है, तो हवा की वजह से सड़कें पूरे भरी भरी पड़ी है, प्लस एवलांच भी कुछ जगह पर आए हैं। हमारे जो बीआरओ है, विजेक है, हमारे ग्रेफ वाले हैं या उस साइड से बिकन वाले हैं, हमारे यहाँ से पुलिस वाले, द्रास के एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के सरबराही में हमारे मैकेनिकल वाले, जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, एक तो हम सब उनके आभारी हैं कि ये लोग इतना मेहनत करके, आज हमने खुद सिचुएशन देखा कितना हार्श बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये हमारे लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते थे कि जोजला को खुला रखने से दो चीज़ होगा, एक तो हमारे मॉरल बूस्ट रहेंगे लोगों में, जो भी मतलब चाहे सब्जी की सूरत में हो, चाहे बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की सूरत में हो, या लोगों का आना जाना जाए का हो, उसके लिए पहली बार हमने कोशिश किया है, जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो बहुत पर्टिकुलर है, उनके उसमें मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उन सब की कोशिशों से। फिर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ पे बीआरओ के जो डायरेक्टर जनरल, उनसे बात किया कि हमारे जो यहाँ से विजेक जाते हैं, वहाँ से बिकन वाले आते हैं, तो जितना जहाँ खत्म मतलब जहाँ तक क्लियर कर सके वो अब वहाँ तक जाएंगे, और वो लोग भी यहाँ अगर उनको पहले ख़त्म हो गया वो यहाँ तक आएंगे। तो आज हमने देखा बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो हमारे लिए तो सच बताओ वहाँ पे 10-15 मिनट ऐसे बैठना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं उन एहलकारों को जो विजय की तरफ से या बीकन ग्रीफ की तरफ से है या जो भी हो पुलिस की तरफ से, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूँ, हमारे काउंसिल की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरी हमारे पूरे कौम करगिल वालों की तरफ से उनको सल्यूट करना चाहता हूँ, उनके कमांडिंग अफसर को, उनके चीफ इंजीनियर को, दोनों साइड के ये लोग, और वहाँ के पुलिस वालों को, गांधरबल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम बहुत आभारी है कि उनके गांधरबल के डीसी साहब भी, और उनके एसएसपी साहब और एसएसपी ट्रैफिक, और उनके जितने भी अहलकार हैं, आपको पता है अभी सोनमर्ग के आसपास में भी कितना ठंड है, और वहाँ से बीकन वालों का भी हम बहुत आभारी हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग हमारे लोगों के आना जाने को फैसिलिटेट करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। बाकी जोजला का हमें उम्मीद है कि अभी भी हमारे विजेक वाले काम पे लगे हुए हैं, हम खुद देख के आए, हमें उम्मीद है अगर हवा चलना बंद हो जाए, अगर ये लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश लगे हुए हैं कि जोजला को एक बार खोल के फिर एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हमें आ जाए, और हमारे जो यहाँ पे पैसेंजर्स या हमारे गाड़ी यहाँ कुछ फंसे हुए हैं, या बाकी स्टूडेंट्स भी अगर कुछ होंगे, तो हम कोशिश करेंगे उनको ये रोड एक बार थ्रू करें। जी थैंक यू सर।